एक इवेंट में मार्क ने चाइनीज में बहुत ही अच्छे से स्पीच दिया और ऑडियंस के क्वेश्चंस का आंसर भी दिया। हाँ, जैसा कि एक एक्सपर्ट ने ध्यान दिया कि वो अपना ग्रामर और प्रोनंसिएशन अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, पर उन्होंने वही किया जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों के बहुत ही कम सीईओ ने अपने चाइना ट्रिप के दौरान किया। उन्होंने टाइम निकाला चाइनीज लैंग्वेज बोलने और रीड करना सीखने के लिए। आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि मार्क ने आखिर किन वजहों से चाइनीज सीखने का डिसीजन लिया। तो वो आखिर चाइनीज क्यों सीखना चाहते हैं? इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश और मॉडर्न बाबा के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट ईयर फरवरी में चाइनीज ल्यूनर न्यू ईयर की छुट्टी के दौरान मार्क और उनकी वाइफ प्रिसिलिया ने अपनी न्यू बॉर्न डॉटर मैक्स के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग किया। जुकरबर्ग ने अपनी मैंडरिन स्किल का पूरा प्रदर्शन किया और उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, पर वह बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। उनके गाए गए गाने ऑफ लिटर के प्रोनंसिएशन से पता चलता है कि उसने मैंडरिन के चार अलग अलग स्वरों को नहीं सुना है, लेकिन सिंधुआ यूनिवर्सिटी में उनकी स्पीच की तरह यह एक इम्प्रेसिव अचीवमेंट था। मार्क का मोटिव लैंग्वेज सीखने के लिए हो सकता है, या अपनी पत्नी की रिच हेरिटेज कल्चर को शेयर करना हो सकता है, या शायद बीजिंग में ऑफिसर्स को चाइना में फेसबुक एक्सेस करने के लिए इम्प्रेस करना भी हो सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है जिससे कि दूसरे उनको फॉलो कर सकें। ये कुछ खास कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से मार्क चाइनीज सीख रहे हैं। तो पहला है, चाइनीज दुनिया का सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लैंग्वेज है। वर्ल्ड के 1.28 बिलियन लोग चाइनीज बोलते हैं और हर 5 में से एक व्यक्ति मैंडरिन बोलता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान के अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और मंगोलिया के चाइनीज कम्युनिटी में मैंडरिन बोली जाती है। फ्यूचर में इंग्लिश शायद वर्ल्ड का सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज नहीं होगा। चाइना पहले से ही वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सबसे बड़े बिजनेस सेंटर में से एक है। एग्जाम्पल के लिए लैंग्वेज, कल्चर और बहुत कुछ चाइना को सक्सेस की तरफ ले जाती है। आपके लाइफ को इकोनॉमी के साथ तभी जोड़ा जाएगा जब आप लोगों के साथ बातचीत करेंगे। दूसरा है, मार्क के लिए अच्छे बिजनेस चांसेस। चाइना की बड़ी आबादी 1 बिलियन से ज्यादा है और उसमें से लगभग 45% लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, जिस वजह से वहाँ बिजनेस की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब तक चाइना ने फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को देश में बैन करके रखा है। चाइना में अपना लेक्चर देकर मार्क चाइनीज कल्चर और लैंग्वेज में अपनी इंटरेस्ट दिखाना चाहते थे और चाइनीज मार्केट में एंट्री के लिए अपने केस में सुधार करना चाहते थे। दूसरों की तरह वह भी जानते हैं कि पैसा कहाँ है। तीसरी वजह हो सकती है, एक और चैलेंज, एक और सक्सेस। हालांकि बिजनेस के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्क के लिए चाइनीज सीखने का एकमात्र रीजन नहीं था, जब उनसे पूछा गया कि वे चाइनीज क्यों सीख रहे हैं तो मार्क जुकरबर्ग ने जवाब दिया कि ही लाइक्स चैलेंजेस। जैसा कि आप जानते हैं, चाइनीज सीखना वास्तव में डिफिकल्ट है। शायद मार्क ने इसीलिए चाइनीज को चुना। न्यू चैलेंजेस लेना सक्सेस का माइंडसेट बताता है, जिसका प्रूफ मार्क ने अपने रेप्यूटेड करियर में दिया है। फेमस डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट कार्ल ड्वेक का मानना है कि ग्रोथ माइंडसेट, जहां आप टैलेंट के बजाय प्रोग्रेस के साथ चलने का ट्राई करते हैं, और यह लाइफ में सभी एरिया में सक्सेस का एक इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्टर है, चाहे वह बिजनेस हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स हो या एकेडमिक हो। चौथा, उनकी पत्नी प्रिसिला चैन एथनिकली चाइनीज है। चाइनीज सीखने में मार्क को अपनी वाइफ के फैमिली से जुड़ने में हेल्प मिली। जब आप नई लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो नेटिव्स के साथ बोलना और प्रैक्टिस करना बेनिफिशियल होता है। चाइनीज बोलने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ लगातार बातचीत करना और सुनना आपको अपनी वोकैबुलरी सुधारने में काफी हेल्प करता है। इस टेक्निकल फील्ड में वर्कर्स के लिए सेकंड लैंग्वेज चूज करने के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं और आप कुछ रीजंस के साथ जुकरबर्ग को फॉलो कर सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं। कई बड़ी टेक कंपनीज के ऑफिसेज विदेशों में हैं, जबकि आप उस लैंग्वेज को पहले से ही विदेशों में बोल सकते हैं और सेम एक्चुअल लैंग्वेज बोलने से आपको बेहतर कम्युनिकेट करने में हेल्प मिल सकती है। इससे बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, पोजीशन और सैलरी में प्रोग्रेस भी हो सकता है। टेक इंडस्ट्री के लिए सेकेंड, थर्ड या 8th लैंग्वेज सीखने का यूनिक बेनिफिट है।
MIT के इकोनॉमिस्ट एल्बर्ट सेस के अनुसार बाइलिंगुअल लेबर अपने इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग प्रीमियम के साथ अर्न कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्पेनिश में फ्लुएंसी आपको 1.5% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जबकि फ्रेंच का वर्थ 2.3% है। जर्मन स्पीकर्स बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और वो 3.8% बोनस के साथ करियर में ग्रोथ कर सकते हैं। फिर भी फॉरेन कोवर्कर्स के साथ इंग्लिश सीखने की वैल्यू के कंपैरिजन में ये पैलेटरी नंबर है। यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के रिसर्च में पाया गया है कि इंग्लिश समझने वाले वहां के नागरिकों का लेबर चार्जेस में 30% की ग्रोथ देखी गई है। चाइनीज पहले से ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, पृथ्वी पर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस में से एक है। यह इंटरनेट पर मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस में से एक है। चाइनीज ने इंटरनेशनल लिंगुआ फ्रैंका स्टेटस में इंग्लिश को अडॉप्ट नहीं किया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपने चाइनीज सुना होगा और देखा होगा। इन दिनों कहीं ना कहीं आपके आसपास चाइनीज कैरेक्टर्स पॉपअप होते हैं। आपको चाइना जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको अपने कलीग्स और कस्टमर्स मिल जाएंगे जिनका फर्स्ट लैंग्वेज चाइनीज होगा। लैंग्वेज सीखना एक छोटा इन्वेस्टमेंट बिजनेस और करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बेनिफिट हो सकता है। पांचवा कारण हो सकता है कि यह बहुत मजेदार है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत टाइम और एफर्ट की जरूरत होती है, और चाइनीज भी एक ऐसा ही लैंग्वेज है, लेकिन इसमें मास्टरी हासिल करने के लिए इसे काम के रूप में नहीं देखा जा सकता। मैंडरिन सीखना और रियल सिचुएशन में इसका यूज करना बहुत मजा आ सकता है। रेस्टोरेंट मेनू से ऑर्डर देने के अलावा या किसी न्यूज आर्टिकल को गूगल ट्रांसलेटर के बिना पढ़ना चाइनीज मार्क जुकरबर्ग जैसे शौकिया लिंग्विस्ट के लिए एक सैंडबॉक्स है, जो मीनिंग्स का आनंद लेते हैं और जो लैंग्वेज के साथ खेल रहे होते हैं। यह आपके थॉट से इजी है। हजारों वर्षों से कैलीग्राफी चाइनीज कल्चर में आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के मेन फॉर्म में से एक रहा है, और चाइनीज कैरेक्टर से कई पोटेंशियल लर्नर्स भी डरते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको बोलने सीखने के लिए रिटन लैंग्वेज को सीखना जरूरी नहीं है, और आप मैंडरिन अदर लैंग्वेज की कंपेयर में जल्दी सीख सकते हैं। सालों से स्पेनिश, फ्रेंच, जापानीज और हिब्रू को स्टडी करने के बाद एक्सपर्ट्स आपको एश्योर कर सकते हैं कि आप मैंडरिन में उतने ही जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे यदि आप इन लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो। जबकि कुछ ग्रामेटिकल फीचर्स जो चाइनीज के लिए यूनिक है, ग्रामर स्ट्राइकिंगली मिनिमलिस्ट है, कोई टेंसेज नाउन या प्रोनाउंस के बीच कोई मेल फीमेल डिफरेंसेस नहीं है और ना ही कोई प्लूरल फॉर्म्स हैं। और जबकि चाइनीज लिखते समय अपने हजारों कैरेक्टर्स के साथ इंग्लिश या दूसरे अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट्स के कंपैरिजन में मास्टर होने में ज्यादा टाइम लेते हैं, यह बहुत ही सिस्टमैटिक है जिस तरह से इसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है, जिससे बहुत से लोगों को डरने की कंपैरिजन में सीखना बहुत ही इजी हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल के लिए वर्ड हाउ, जिसका मीनिंग है अच्छा, दो भागों से मिलकर बनता है। महिला के लिए कैरेक्टर नू लेफ्ट साइड और बच्चे के लिए कैरेक्टर जी राइट साइड, और इन कैरेक्टर्स में से हर एक को कुछ स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रोक्स में डिवाइड किया जा सकता है कि जब मास्टरी हासिल की जाती है तो आपको वो टूल्स दिए जाते हैं जो आपको उन हजारों चाइनीज कैरेक्टर्स में से किसी एक को लिखने की जरूरत होती है जो आजकल जनरली यूज किए जाते हैं। लैंग्वेज सीखने के लिए पहले से ज्यादा रिसोर्सेज हैं। जब एक एक्सपर्ट ने लगभग 30 साल पहले चाइनीज का स्टडी स्टार्ट किया था तो उसे एक नई लैंग्वेज सीखने के लिए ट्रेडिशनल मेथड्स पर डिपेंड होना पड़ा। टीचर्स के द्वारा ऑडियो टेप्स और टेक्स्ट बुक से पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा, मेरे पिता ने कॉलेज में मेरे चाइनीज कोर्सेज पर हजारों डॉलर खर्च किए। यह सब मेरे लिए तब वर्क करता था, लेकिन यह जरूरी नहीं कि अब आप लैंग्वेज कैसे सीखते हो। आप iTunes पर जा सकते हो और फ्री पॉडकास्ट की मेंबरशिप ले सकते हो, या ऑडियो लेसन्स डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी स्पीड से चाइनीज सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, या आप चाइना से एक ट्यूटर के साथ भी सीख सकते हैं जो आपको ऑनलाइन और अपने घर के आराम में सिखा सकते हैं। सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता है। मार्क का कहना है, मैंने लगभग 5 साल पहले चाइनीज सीखना स्टार्ट किया था, लेकिन मैं अभी भी खुद को इस लैंग्वेज का स्टूडेंट मानता हूं और हमेशा मानूंगा। मैं फ्लुएंट बोल सकता हूं, लेकिन मैं एक देशी की तरह नहीं बोल सकता और शायद कभी नहीं बोलूंगा। जिस किसी ने कई सालों तक चाइनीज या किसी अदर लैंग्वेज का स्टडी किया है, आप जल्द ही महसूस करते हैं कि सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं है कि कभी शुरू ही ना हो। बाद में मार्क ने खुलासा किया कि उन्होंने 2011 के आसपास चाइनीज सीखना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने रात को खाने की मेज पर अकेले लैंग्वेज सीखा और बाद में एक ट्यूटर अपॉइंट किया।
और निश्चित रूप से यह सबसे अच्छा तरीका था। चाइनीज सीखने के लिए सबसे टफेस्ट लैंग्वेज में से एक माना जाता है और मार्क ने महसूस किया कि उन्हें अपने चाइनीज को बेहतर बनाने के लिए हेल्प की जरूरत है। उस आदमी से टिप लिया जिसने इसे किया है और सिंगापुर में चाइनीज सीखने के लिए लैंग्वेज की क्लासेस में शामिल हुआ। कहा जाता है कि मार्क ने बीजिंग में सिंगवा यूनिवर्सिटी में हाउसफुल ऑडियंस से बात करने में कैपेबल होने के लिए बहुत ट्राई किए। उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपने स्पीच से पहले हर दिन 4 घंटे तक चाइनीज की स्टडी और प्रैक्टिस किया। इसलिए मार्क जकरबर्ग से हम सीख सकते हैं कि चाइनीज का डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, यदि 4 घंटे के लिए नहीं तो कम से कम 20 से 30 मिनट। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो मार्क जकरबर्ग के चाइनीज सीखने के बारे में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आपको आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हमारे भारत के लोगों को ये जानकारी मिल सके कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है। फिर मिलेंगे एक और रोमांचक जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।